हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे ना मैं शंकर पालक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंपल सा मैं रेसिपी लेके आई हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच चीनी लिया, 4 साढ़े 4, आप ज़्यादा या कम भी ले सकते हो। और पानी अगर थोड़ा सा उससे थोड़ा सा 1-2 चम्मच ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जितना चीनी ले रहे हैं उतना ही हम घी लेंगे। अभी मैंने इतना चीनी लिया है, सेम मात्रा होनी चाहिए घी की भी। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी डाल देती हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये छोटू सा टोप इधर रख दिया है, उबाल के एक उबाल आएगा तो काफ़ी है। एक उबाल आने तक हम अच्छे से चीनी को मेल्ट कर देंगे। तो देख सकते हो इसमें घी डालने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है, और ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा, हल्का सा, एकदम भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा गुनगुना है, तो अभी इसका हम डो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, आप चाहे तो थोड़ा हल्का सा ऊपर से एक छोटा सा पिंच नमक भी डाल सकते हो, पर मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपल सी रेसिपी है, तो फटाफट से मैं डो बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैदा का हम डो बना देंगे। तो जैसे मैंने कहा था, पानी पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा ये गर्म है, और मैं इसको फटाफट से बना देती हूँ। इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ ही जल जाए, संभालिएगा। और देख सकते हो ये मेरा डो बन के तैयार है, और इतना ही मैं बना रही हूँ। तो फटाफट से मैंने बेल लिया है, यहाँ पे थिकनेस मैंने इतना रखा है, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हो, पर मैंने इतना रखा है। तो अब इसको फटाफट से फ्राई कर देंगे। हम सारा काट के रखेंगे नहीं, जैसे हम काटेंगे वैसे ही हम ये फ्राई कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है तो घी की वजह से ये कड़क भी हो सकता है। तो देख सकते हो एक तरफ मैं यहाँ पे बना रही हूँ, एक तरफ यहाँ पे फ्राई हो रहा है। तो देख सकते हो कितने बढ़िया बने, थोड़े से उधर उधर से हो गए, कुछ स्क्वायर हैं तो कुछ थोड़ा सा अनशेप है, पर कोई बात नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, काफ़ी कुरकुरे बने हैं। और यहाँ पे जो बना है ये है, इसमें मैदा है, इसमें गेहूं का आटा है, तो दोनों को मिक्स करके मैंने बनाया है ये शंकर पाले, क्योंकि मेरे भाई को मैदा वाला नहीं अच्छा लगता। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, गेहूं और मैदा को मिक्स करके। और देखो ये भी मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा था, ये गेहूं का है लेकिन फिर भी टेस्टी था, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो काफ़ी कुरकुरी बनी है, इजी है, सिंपल है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैं दूसरा जो तोड़ के दिखाऊँगी ये है मैदा वाला, तो आप लोग बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा। तो ये जो मैं तोड़ के दिखा रही हूँ ये मैदा का है, ये भी काफ़ी कुरकुरी हुआ है। अगर आप थोड़ा अगर थिक लेयर आप बनाओगे तो ये थोड़े से फूले फूले से बनेंगे। तो यहीं तक थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और आप लोग बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा, मैदा वाला कि गेहूं वाला अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।